Hello everyone, welcome to ThinkNext Technologies. Today we will interface 16x2 LCD with Arduino. So let's start. So हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमारा debounce फंक्शन किया था, तो आज हम 16x2 कैरेक्टर LCD डिस्प्ले को हम Arduino के साथ इंटरफेस करेंगे, ओके? तो यहाँ पर ये कोड भी आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा, फाइल एग्जाम्पल्स लिक्विड क्रिस्टल. यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल में आपको हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल मिल जाएगा, बट यहाँ पर मेरे पास लाइब्रेरी जो है वो I2C लाइब्रेरी है जिसको हम बाद में करेंगे, तो इस कोड को हम दोबारा से लिखते हैं, ओके? सो सबसे पहले इसमें हम लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच. तो यहां पर हमने लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिया. आफ्टर दैट हमें क्या करना है, यहां पर लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो कभी भी किसी भी लाइब्रेरी को हमें यूज करना है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम लिक्विड क्रिस्टल स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम. अब इसके स्कोप में हमें यहां पर पिंस को डिफाइन करना होता है. सबसे पहले हमारी आएगी RS पिन, उसके बाद एनेबल पिन, उसके बाद D4, D5, D6 एंड D7. इस तरह से हमें इसमें पिन्स डिफाइन करनी होती है. हम प्रोटियस में देखते हैं, प्रोटियस में हम देखते हैं कि पिन आउट क्या कहता है इसका. अब ये जो 16x2 LCD है ये हम दो मोड्स में यूज करते हैं, एक कमांड मोड और एक डाटा मोड. इसके लिए हमारे पास यहां पर जो कोड है LM016L, ओके, यहां पर हमने ये LCD ऑन इनिशियलाइज कर दी. आफ्टर दैट Arduino Uno, और यहां पर ये आ गई हमारी LCD, ओके? तो VSS जो हमारी पिन है इसकी, अब पिन आउट देखते हैं 16x2 LCD. इसे 16x2 इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक लाइन में हम 16 कैरेक्टर्स प्रिंट करवा सकते हैं, और दो लाइंस है हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास है VSS पिन, VDD एंड BEE, ये तीन पिन्स है हमारे पास, जिसमें हम VSS पिन पे ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, VDD पे 5 वोल्ट, एंड BEE जो है वो हमारी कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होती है, ताकि जो हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं वो कितने हमारे पास डार्क प्रिंट होंगे. उसके बाद कमांड रजिस्टर है हमारे पास, RS पिन, रजिस्टर सिलेक्ट, RW पिन, रीड राइट पिन, ई पिन, एनेबल पिन. इसके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहते हो कि इन पिन्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, तो हमारे 8051 के ट्यूटोरियल में इसे डीप में डिफाइन किया गया है, उसे देख सकते हैं आप. और आफ्टर दैट हमारे पास 8 बिट की डेटा लाइंस हैं, तो हम इस LCD को 4 बिट मोड में यूज करेंगे, ओके? तो यहाँ पर इसीलिए मैंने जो स्केच बनाया यहाँ पर इन पिन्स को मैंने डिफाइन किया है, तो ये सिर्फ इतनी ही पिन्स यूज होनी है हमारी. तो सबसे पहले RS पिन को मैं पिन नंबर 11 पे कनेक्ट करना चाहता हूँ, और एनेबल पिन को 12 पे, और D4, 4, 5, 6, 7 आसान रहेगा. RS पिन हमारी है 11, और यहाँ पर एनेबल पिन है हमारी 12, और 4, 5, 6, 7 ये हमारी 4 बिट डाटा लाइन है. तो हमने यहाँ पर लाइब्रेरी में ऑब्जेक्ट बना के इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर कि हमें कौन कौन सी पिन लगानी है. आफ्टर दैट इस ऑब्जेक्ट को ही अब जहां भी हमें यूज करना है इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है LCD.begin, यहाँ पर हमारे LCD का नाम 16x2 यूज करें, 16,2. अगर आप 20x4 यूज करना चाहते हो तो 20x4 लिख सकते हैं. हमने यहाँ पर LCD.begin कर दी. आफ्टर दैट यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन है LCD.print, यहाँ पर डबल कोर्स में लिख दीजिए जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, ओके? यहाँ पर जैसे प्रिंट करवाते थिंक नेक्स्ट, टेक्नोलॉजीज़,
बट ये सारा का सारा प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये हमारी 16x2 है। ओके सो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, टेक प्रिंट करवाते हैं। तो टोटल 16 करेक्टर्स ही होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर स्पेस जो है वो भी हमारा एक करेक्टर है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे 14 करेक्टर्स हैं जो कि हमारे फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। अब आफ्टर दैट, अब आप चाहते हो कि सेकंड लाइन में मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मिलीज, हम सेकंड्स में डाटा को प्रिंट करवाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है सेट कर्सर, lcd.setcursor। अब यहाँ पर गलती है कुछ, इस वजह से मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेट कर्सर का एस मैंने कैपिटल डाल दिया था। अब सेट कर्सर में हमने यहाँ पर क्या किया, 0, 1, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि 0 पोजीशन पे, यहाँ पर जो हमारी एलसीडी है उसकी 0 पोजीशन ये है, ओके, और 1 लाइन मतलब नीचे वाली लाइन, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं सेकंड लाइन के इनिशियलाइजेशन पे। तो यहाँ पर हमने सेकंड लाइन में कुछ प्रिंट करवाना, यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं lcd.print, यहाँ पर हम क्या करते हैं मिलीज को प्रिंट करवाते हैं डिवाइडेड बाय 1000। तो अब मिलीज को हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास सेकंड्स प्रिंट होने स्टार्ट हो गए। तो चलिए अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो यहां पर हमारा स्केच जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। यहां पर हम इसकी हेक्स फाइल जो है उसे हम यहां पर कॉपी करेंगे। तो ये है हमारी हेक्स फाइल का एड्रेस, बिना इन्वर्टेड कॉमास के इसे कॉपी करना और यहां पर आर्डुइनो में इसे प्रोग्राम फाइल की जगह पर पेस्ट कर देना। ओके अब यहां पर हमें बीएसएस पिन को ग्राउंड करना, यहां पर टर्मिनल्स में इसे ग्राउंड के साथ कर देंगे कनेक्ट। वीडीडी पिन को पावर देनी है, VEE पिन पे आप कॉन्ट्रास्ट के लिए पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो, वैसे जनरली इसे ग्राउंड ही कर देते हैं मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट के लिए। आप चाहो तो अगर वेरिएबल कॉन्ट्रास्ट रखना है तो हम इसे इस तरह से वेरिएबल भी रख सकते हैं। अब यहां पर इसे अगर हमें वायरलेसली अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है तो इसको वायर यहां से लगानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसे राइट क्लिक कीजिए, प्लेस वायर लेबल 1, 2, 3, ABC कुछ भी लिखिए और सेम लेबल जहां पर इसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो इसी दे दीजिए। तो ये क्या हो गया, अब ये VEE पिन यहां पर हमारी इस पिन के साथ कनेक्ट हो गई है। अब यहां पर टर्मिनल्स में हम पावर और ग्राउंड, इसे एक वोल्टेज डिवाइडर बनाना बेसिकली इसके साथ ताकि हमें वेरिएबल वोल्टेज मिले, और ज्यादा स्केल्ड वैल्यू के लिए आप यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हो 10K। तो यहां पर हमने ये लगा दी हमारी रेजिस्टेंस। अब RS पिन जो है वो किससे कनेक्टेड है हमारी यहां पर, 11 पिन से, एनेबल पिन 12 नंबर पिन से, RS पिन पिन नंबर 11 एंड एनेबल पिन पिन नंबर 12। अब ये यहां पर एक रीड राइट पिन है, 8051 के ट्यूटोरियल में जैसा मैंने बताया था कि RW पिन जो है उस पे हम अगर रीड करना चाहते हैं तो हमें 1 रखना होता है और अगर राइट करना चाहते हैं तो 0 रखना होता है। तो हमें रीड तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंट होगा उसे हम रीड करेंगे, तो सिर्फ राइट करवाने की जरूरत है। तो इसे हम डायरेक्टली ग्राउंड कर सकते हैं इस पिन को यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसे 4-bit मोड में यूज कर रहे हैं तो D4 जो है वो हमारी पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे, D5 को 5 के साथ एंड इसी तरह से हम सारे कनेक्शंस कर देंगे, D7 को 7 के साथ। ओके तो अब हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसे प्ले करके देखते हैं यहां से। तो यहां पर आप देख सकते हैं थिंक नेक्स्ट जो है वो मेरा प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन यहां पर सेकंड लाइन में भी मेरा थिंक नेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैंने वॉइड लूप में प्रिंट करवाया, इसीलिए वो सेट कर्सर के बाद दोबारा से जब थिंक नेक्स्ट प्रिंट करवाता है तो ये दोबारा से इसे प्रिंट करवा रहा है। तो इसे हम कट करके सेटअप में, क्योंकि इसे एक ही बार रन करवाने की जरूरत है, तो यहां पर हम इसे यहां पर प्रिंट करवा देते हैं।
अब कंपाइल करके देखते हैं इसे। तो अब जो हमारा थिंक नेक्स्ट है वो एक बार चलेगा और यहां पर जो मिलीज है वो बार बार अपडेट होता रहेगा। अब यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है lcd.clear, इससे अगर आप किसी टाइम पे क्लियर करवाना चाहते हो एलसीडी को तो क्लियर भी करवा सकते हैं। तो पहले हम पुराने वाले कोड को ट्राई करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं थिंक नेक्स्ट टैग और नीचे मेरी जो वैल्यू है वो सेकंड्स में चलना स्टार्ट हो गई है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैं क्लियर फंक्शन को भी चला देता हूं। अब कंपाइल दोबारा से करेंगे, दोबारा से आपको हेक्स फाइल कंपाइल करके हेक्स कोड कंप्लीट कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। अब यहां पर हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि हमने लास्ट में एलसीडी को क्लियर करवा दिया था, तो ये बार बार क्लियर कर रहा है। और वॉइड सेटअप में हमने जो क्लियर वाला फंक्शन था वो एक बार ही प्रिंट करवाया था थिंक नेक्स्ट टेक, तो ये इसे भी क्लियर कर देगा और ये दोबारा से नहीं चलेगा, तो इस वजह से हमारे पास ये बार बार इसे क्लियर कर रहा है। ओके, सो इस तरह से हम एलसीडी को इंटरफेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक अवर वीडियो।